हमारे संगीत विभाग के प्रवक्ता अनुपमा शर्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं भजन, जिसके बोल हैं श्याम मने चाकर राख्यो जी। इस भजन में मीरा जी जो कृष्ण प्रेम में समाई हुई हैं, वे श्री कृष्ण जी से निवेदन कर रही हैं, श्याम जी मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो ताकि मैं दिन रात आपकी सेवा कर सकूं, और मुझे कुशल मंगल भी रखना ताकि मैं सदैव आपके दर्शन पा सकूं। जैसे योगी योग में लीन है, सन्यासी तपस्या में लीन है, इसी प्रकार मैं भी अपने प्रभु प्रेम में लीन रहना चाहती हूँ। तो प्रस्तुत है श्याम मने चाखर राखो जी। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना ठाकुर जी, श्री अनिल शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा जी, प्राचार्य गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, और यहाँ उपस्थित सत्य समाज, मैं आप सबके सामने मीरा भजन प्रस्तुत करूँ।
अनुपमा शर्मा इस मधुर व सुरमयी प्रस्तुति के लिए। हमारी अगली प्रस्तुति गजल, जो महाविद्यालय के संगीत विभाग के प्रवक्ता दीपक गौतम जी पेश करेंगे। ये गजल माननीय मुख्य अतिथि जी के महाविद्यालय के दिनों की याद ताजा करती है। उस समय की ये बेहद लोकप्रिय गजल जफर अली द्वारा गाई गई है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है गजल। मैं अपने पुराने गनों को ताज़ा करना चाह रहा था। एक छोटी सी रचना, माननीय ठाकुर साहब, हम लोग कभी इसी 4 साल इकट्ठे रहे तो ये हमें बड़े भाई की तरह और मार्गदर्शन है। उस टाइम से ही मैं एक नेताओं का वो था, तो हम हमारे पूरे ग्रुप का लीडर थे, हमें मार्गदर्शन करते थे, तो एक बड़े भाई की तरह भी। तो इनका प्यार आज तक बरकरार है, तो इनके यादों को मैं वही ताज़ा करता हूँ। कॉलेज कैंटीन में और हमारे मामू टी स्टॉल में जो गाने बजते थे, उसकी एक रचना आपके सामने थी। आईने के साथ
बयां किए इस खूबसूरत गजल के माध्यम से। धन्यवाद। नाउ लेट मी बी प्रिविलेज्ड फॉर इनवाइटिंग आवर ऑनरेबल एमपीपी एंड पावर मिनिस्टर श्री अनिल शर्मा जी, who has been an exemplary person and a true inspiration to all. His services to humanity and development of the state is something everyone nobly talks of. Sir, you are please requested to come upon the stage and grace this occasion with your valuable thoughts. आदरणीय ठाकुर जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार, श्रीमती साधना ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी, मेरे सहयोगी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, क्योंकि भारद्वाज जी के साथ पार्लियामेंट में हम दोनों इकट्ठे बैठते थे, सहयोगी पार्लियामेंट में थे जब हम एनडीए में थे और 10 साल आमने सामने बैठते थे, और अब विधानसभा के अंदर दोबारा से हमारी कुर्सियां इकट्ठी हो गई है, दोनों हम इकट्ठे बैठते हैं, तो इसलिए बहुत पुराना इनके साथ सहयोग रहा है मेरा। इसलिए मैं अपने शहर के अंदर इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे छोटी काशी के सांसद रामस्वरूप शर्मा जी, हमारे सम्माननीय विधायक श्री इंद्र सिंह जी, राकेश जमवाल जी, विनोद कुमार जी, जोहर ठाकुर जी, सभी हमारे मान सम्माननीय विधायक हैं, निहाल चंद जी चेयरमैन मिल्क फेडरेशन, स्थानीय कॉलेज के प्रिंसिपल श्री अशोक अवस्थी जी, ललित पठानिया जी अध्यक्ष पीटीए और समस्त सदस्यगण, प्रियव्रत शर्मा जी ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, रणवीर सिंह जी जो अध्यक्ष है जिला भारतीय जनता पार्टी मंडी के, श्रीमती सुमन ठाकुर जी अध्यक्ष नगर परिषद और समस्त पार्षदगण, श्रीमती पायल वैद्या जी जनरल सेक्रेटरी बाल कल्याण परिषद, श्रीमती सरला देवी जी अध्यक्ष जिला परिषद मंडी, पूर्व में रहे मंत्री श्री रूप सिंह ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री कन्हैया लाल जी, और हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री अरुण शर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर ऋग्वेद ठाकुर जी, गुरुदेव शर्मा एसपी मंडी, और सभी विभागों के आए हुए अधिकारी और कर्मचारीगण, और इस प्लैटिनम जुबली में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों और प्यारे बच्चों, जैसे पहले कहा गया, रामस्वरूप जी ने कहा कि सम्मान की बात है मंडी के लिए खासकर और इस कॉलेज के लिए कि कॉलेज के बच्चे महसूस करते हैं कि हमारे बीच से एक नौजवान आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और बहुत बड़ी बात होती है मंडी की पहचान कैसे बनती है, मंडी की पहचान किससे बनती है। आज मंडी को मुख्यमंत्री की तलाश वर्षों से रही, अंत में मुख्यमंत्री मिला और मांगने वालों को देने वाला मिल गया। हम लोग मांगते थे, यदि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात कहें, पूर्व में मंत्री रहा, वर्तमान में मंत्री हूं, पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात लगातार कैबिनेट में चर्चा करता रहा कि पैसा उपलब्ध है, 50 करोड़ रुपए आ चुका है, परंतु कैबिनेट में केवल स्थानीय विधायक होने के नाते मांग करता रहा
परंतु उस बात को तभी हुआ जब यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी बने और कैबिनेट के अंदर जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मुद्दा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी लाए, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मंडी के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मतलब शिक्षा का हब बनाना, मेडिकल यूनिवर्सिटी यहां पर आई नेहर चौक के अंदर, आईआईटी मंडी में हुआ, आज मंडी शिक्षा का हब बने उसके लिए प्रयास जो है शुरुआत यहां पर हुई है। मैं आप बच्चों को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि राजनीति में जब मैं आया तो शायद आप बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे। 1993 के अंदर जब मैं राजनीति में आया तो मैंने महसूस किया, जब मैं यहां मंच में खड़ा था तो मैंने एक पुरानी बिल्डिंग यहां देखी, पुरानी खंडरात बिल्डिंग थी और मेरे मुंह से निकल गया, ये खंडरात बिल्डिंग मैं नहीं देखना चाहता, यहां नया भवन बनेगा। नया नया मंत्री बना था, विधायक बनते ही मंत्री बन गया था, पता नहीं होता था पैसा कहां से आएगा, परंतु मंडी की पहचान यदि आज ठाकुर जयराम सिंह से बनी है तो मंडी की पहचान पंडित सुखराम से भी बनी है। और यही कारण रहा कि सांसद और मंत्री होने के नाते मैंने कहा मुझसे निकल गया यहां पैसे का प्रावधान करना है। हिमाचल के अंदर पैसे की कमी होती थी स्कूलों भवनों के लिए, मैंने शिक्षा का काम शुरू किया। मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर हर शिक्षा भवन के अंदर सभी जगह स्कूलों में शिक्षा भवन बने और कॉलेज के लिए पंडित सुखराम जी 2 करोड़ रुपए प्लानिंग से देकर आज ये भवन आप देखते हैं, ये उसकी देन है, उस वक्त की देन है कि यहाँ शिक्षा का हमने शुरुआत की थी। परंतु आज हम मांगने की बात नहीं करते हैं, यदि मांगूंगा तो बहुत कद छोटा हो जाएगा मेरा, क्योंकि आप तो देने वाला यहां पर है। ये तो कहते हैं कि मांगो तो मांगो, और हम बड़े परेशान हैं इस वक्त सरकार के अंदर। हम ये बात सोचते हैं जब मुख्यमंत्री जी करते हैं कैबिनेट के अंदर बात करते हैं कि बताओ मंडी के लिए क्या हो सकता है, एक विधायक होने के लिए मुझे मेरी नींद भी हराम हो चुकी है, आजकल सोचना पड़ता है कि क्या करूं, क्या मांग लूं, मंडी के लिए क्या कर लूं, क्योंकि आज हम वो चीज नहीं करना चाहते। जैसे आज यहां पर बात हुई ऑडिटोरियम की बात हुई, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे क्योंकि ऑडिटोरियम जो यहां पर बनना चाहिए ये इनकी याद होगी, इस कॉलेज के लिए एक पहचान होगी, इस कॉलेज के लिए ऑडिटोरियम और यहां पर अकोमोडेशन की जो बात करते हैं। परंतु आज मंडी के अंदर स्केटी का तटीकरण, स्केटी के पास आज पार्किंग की व्यवस्था और मंडी के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं, मैं अधिकारियों से चर्चा करता हूं कि क्या हो सकता है, टूरिज्म के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। मैं वो घोषणा मुख्यमंत्री से नहीं कराना चाहता क्योंकि सरकारों में रहा हूं, वर्षों से सरकारों के बीच में रहा हूं। आईपीएच मंत्री ठाकुर कौर सिंह हुआ करते थे, राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आईपीएच विभाग ने कहा कि मंडी के अंदर एक बहुत कृत्रिम झील बन सकती है और उस तक मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि मंडी के अंदर एक कृत्रिम झील बनेगी। और जब आईपीएच ने उसका एस्टीमेट बनाया 11 करोड़ से 150 करोड़ हो गया, न कृत्रिम झील बनी न उसका कोई फायदा हुआ। हम चाहते हैं कि मंडी के अंदर ऐसी कोई काम हो, ऐसी व्यवस्था बने जिससे कि मंडी की पहचान बने, मंडी आगे बढ़े। और इसके लिए यहां कॉलेज की बात है, कॉलेज के अंदर इस ग्राउंड को बनाने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मैंने काम करवाने का प्रयास किया और आज हरा भरा पट का ग्राउंड नजर आता है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पटल क्यों, पटल के साथ कोई ऐसा स्थान चिन्हित हो
जहां से हम हेलीकॉप्टर की सर्विस पूरे प्रदेश के अंदर चला सकते हैं। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैंने कहा कि इनकी सोच, इनका दिल, वैसे तो पूरा प्रदेश है, पर तो कहते हैं नव जो है वो मंडी है, नव मंडी है इनकी, और ये हमारे लिए एक ऐसा सुनहरी मौका है इस प्रदेश के अंदर, मंडी के लिए खासकर। मैं खुद डीजीपीओ से बात करता हूं, मैं चर्चा करता हूं, जो भी मेरे से मिलते हैं मैं उनसे बात करता हूं कि क्या कर सकते हैं, बताइए, आप बताइए, ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। और इसलिए स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए हमने कहा है, अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री से, एक को मैं अभी चर्चा कर रहा था, हम दिल्ली घूमते हैं तो दिल्ली में लोग सवेरे सैर करने जाते हैं, और सैर करते करते जब वो सैर करते हैं तो वो एक ऐसी जिम सी बनी, आउटडोर जिम बनी होती है जहां वो एक्सरसाइज करते हैं। और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बैडमिंटन हॉल के बाहर ही हमारे पास जगह है, वैसा हमारा जो है आउटडोर जो है और हमारा जिम बन जाए, जिससे हमारे जो लोग सैर करने पटल में आते हैं वो अपने एक्सरसाइज भी कर सके यहाँ पर। और इसके लिए 25 लाख की मैं मांग रखी है 25 लाख रुपए से यहाँ से हमारा ऑडिटोरियम जो है जिम बन सकता है। वैसे बहुत से प्रयास है, और मैं आपसे केवल इतना चाहूंगा कि आज मंडी के लिए एक और पहचान बनने जा रही है। पहचान इसलिए कहना चाहता हूं, मंडी का नाम किससे जाना जाए, और मैं एक बार देखना चाहता हूं, शायद मैं ज्यादा समय ले रहा होगा मुख्यमंत्री जी का, परंतु मुझे याद आती है राजनीति के अंदर मैं नहीं था, कभी मंच में नहीं कहा करता था, मंच में भाषण नहीं दिया करता था, पर नेता बन गया, मंत्री भी बन गया। और मैं अपने बेटे की आजकल आप पहचान आप जानते होंगे, आज मेरा बेटा मुंबई के अंदर जिसकी 5 अक्टूबर को पिक्चर लॉन्च होने आ रही है, एक पहचान मंडी के लिए बनी। और मैं एक पिता होने के नाते कभी मैंने देखा नहीं उसको स्टेज के ऊपर डांस करते हुए, और आज मैं देखता हूं कभी उसकी जो वीडियो आ रही है तो मैं देखता हूं स्टेज कॉलेज के बच्चों के सामने वो डांस करते हुए, और जब से उसे पूछा गया कि आप कहां से हो, उसने कहा मैं मंडी से हूं। मंडी कौन, कहां की मंडी, तो हिमाचल की मंडी। तो एक पहचान प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर एक पहचान मंडी की बनती जा रही है। एक नौजवान मेहनत करता है, और मैं आप बच्चों को कहना चाहता हूं, जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री यहां से पढ़कर जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, आपके पास बहुत उड़ान है, बहुत आगे जा सकते हैं। वही कारण है कि आज हम लोगों को मंडी की पहचान बनानी है, और मंडी की पहचान तभी बन सकती है जब हम यहां के लिए कुछ करने का प्रयास करें। और मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा कि हमारा नाम मंडी का वैसे कंगना से भी मशहूर हुआ, परंतु आयुष शर्मा का पहला हीरो होगा हिमाचल से, जो पहला हीरो हिमाचल से जो है यहां से होगा, एक पहचान मंडी की बनेगी, हिमाचल की पहचान बनेगी। मैं नौजवानों से चाहूंगा कि बहुत कुछ मांगने को है, मैं यहां नहीं कहूंगा क्योंकि देने वाले कभी इनकार नहीं करते, मुझे इस बात की खुशी है। हम इनसे जो कहते हैं, और मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी अगली बार हम जब शिवरात्रि को आए तो यहां पर ऑडिटोरियम का फाउंडेशन स्टोन ही रख दें, यहां पर इस तरीके से काम हो कि यहां पर ऑडिटोरियम का फाउंडेशन स्टोन हो, भवन बहुत बड़ा भवन, और जयराम ठाकुर जयराम जी माननीय मुख्यमंत्री जी की पहचान इस कॉलेज के लिए। यदि आप तो सभी कॉलेजों को देने की बात करते हैं, ये तो आपका अपना कॉलेज है, दिल खोल कर दे जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पीछे भी आ रहे थे तो हालात बिगड़ गए, बारिश हो गई, वो आ नहीं पाए, और कल भी रात को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से गड़बड़ हो जाए, परंतु आपके लिए ऊपर वाले ने धूप का एक अच्छा नजारा किया, आप यहां पर आए, और आप यहां पर देके तो जाएंगे ही परंतु बच्चों को आशीर्वाद देके भी जाएं। और मैं खासकर शिक्षा मंत्री जी का भी तहे दिल से आभारी हूं, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इनके सहयोग से
आज जो है मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिली है, शिक्षा के लिए पहचान बनी है। मैं मंत्री जी आपका ही आभारी हूं कि आपने बहुत जल्दी पहल की और मंडी के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। Thanks a lot, sir, for your guidance and inspirational words. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री अनिल शर्मा जी। हमारी अगली प्रस्तुति मंडी नागरी मिलित जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। इसे हिमाचल का हृदय स्थल कहा जाता है। मंडी नगर अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। कला के विभिन्न आयामों को स्पर्श करते हुए मंडियाड़ी नागरीय नृत्य अपने एक विशेष पहचान को संजोए हुए है। मंडियाड़ी नृत्य विशेष रूप से महिला नृत्य है। इसमें नायिका के रूप में महिलाएं अलग अलग भाव जैसे विरह, मिलन, प्रेम व उल्लास इत्यादि भावों का समावेश करते हुए नृत्य करती हैं। यह शैली अन्य नृत्यों से भिन्न रूप से विकसित हुई है। यह नृत्य मुख्य रूप से विवाह के उपरांत जब वर पक्ष के लोग वधु को साथ लेकर कुल देवता के पूजन जिसे जात्रा भी कहते हैं के लिए जाते हैं तब यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में विशिष्ट वेशभूषा एवं आभूषणों का प्रयोग किया जाता है जिसमें मंडियाड़ी कला एक संस्कृति परिलक्षित होती है। तो आइए देखते हैं मंडियाड़ी नृत्य। इस नृत्य का निर्देशन किया है प्रोफेसर दीपक शर्मा जी ने जो महाविद्यालय के संगीत विभाग में प्रवक्ता हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मंडियाड़ी नागरीय नृत्य।
कोई ऐसा मंडियाल नहीं होगा जिसका मन यह नृत्य देख झूमने का न किया हो। बेहद सुंदर प्रस्तुति महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा, एक बार पुनः जोरदार तालियां। शुक्रिया। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। इन्हीं सुवासित पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती हेमलता पुरी जी को, जो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन से हैं। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि वे मंच का अगला कार्यभार संभालें व नॉस्टैल्जिक सेशन शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर दीपाली। आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का श्री गणेश करते हैं। सभी को आदर, अभिनंदन, आभार एवं नमस्कार। मैं हेमलता पुरी, राजकीय वल्लभ महाविद्यालय की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की सदस्य, कार्यक्रम की कड़ी को लेकर मंच संचालन के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से महाविद्यालय की प्लैटिनम जुबली अर्थात हिरकोतर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। कुछ मीठी सी ठंडक है आज इन हवाओं में। शायद हम सब के दिलों में कॉलेज के दिनों और दोस्तों की यादों की खिड़की जो खुल गई है। कार्यक्रम की प्रथम कड़ी मैं सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनप्रिय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्रीमान जयराम ठाकुर जी और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मेरा स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अशोक अवस्थी जी, ओएससी प्रधान श्री प्रियवर शर्मा जी, ओएससी उप प्रधान श्री अनिल शर्मा जी, संयुक्त सचिव श्री हेमंत शर्मा जी, सदस्य श्रीमती निर्मल वर्मा, श्रीमती निशी टंडन, श्रीमती इंदु शर्मा, इन सब से मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी को डॉक्टर साधना ठाकुर जी की अगुवाई करते हुए कृपया मंच पर विराजमान हों। मैं माननीय ठाकुर जी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग पसंती तो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना है। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं खिला करते। सर्वप्रथम मेरा निवेदन है ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रधान श्री प्रियवर शर्मा जी से कि वे मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संतोष कपूर जी को। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को पुरानी यादों को संजोए एक ग्रुप फोटो भेंट करना चाहते हैं। संतोष कपूर जी, मेरा अगला निवेदन है श्री अनिल शर्मा उप प्रधान ओएसडी जी से कि वे कार्यकारिणी सदस्य श्री विनोद बहल जी की मुख्यमंत्री महोदय पर लिखी गई एक मंडियाली कविता तस्वीर जो संतोष कपूर जी ने भेंट की। निवेदन अनिल शर्मा जी से
कार्यकारिणी सदस्य श्री विनोद बहल जी ने मुख्यमंत्री महोदय पर एक मंडयाली कविता लिखी है, उसे भेंट करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बल्लभ राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र एवं पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर धर्मपाल कपूर जी को। डॉक्टर धर्मपाल कपूर जी की 3 नवीनतम कृतियाँ, पहली फेसबुक एक विमर्श, दूसरी हिमवान हिमाचल, तीसरी है इनिशिएशन। इन तीनों पुस्तकों का विमोचन करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से करवत निवेदन करती हूँ। डॉक्टर धर्मपाल कपूर जी, विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, तो अनुमोदन यहाँ उपस्थित सभी लोगों के द्वारा तालियों के साथ अनुमोदन के लिए मैं निवेदन करूंगी सभी से। फेसबुक एक विमर्श संवाद की एक नई परिभाषा, 5 इंच के मोबाइल पर मध्य उंगली से 172 घंटे में लिखी गई यह विश्व की पहली किताब है। हिमवान हिमाचल, हिमाचल के सांस्कृतिक वैभव, हिमाचल में स्वतंत्रता आंदोलन का विकास, यात्रा के पड़ाव जैसे विषयों का इसमें विवेचन है। इनिशिएशन में डॉक्टर कपूर की प्रारंभिक हिंदी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद है। श्री विनोद बहल जी अपनी मंडयाली काव्य संग्रह भातारी भेड़ की प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। इस पुस्तक में मंडयाली भाषा में यथार्थ के धरातल पर लिखी गई कई कविताओं का सुंदर संकलन है। भातारी भेड़, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें याद आती है कहानी बनकर, पर कॉलेज के दोस्त तो सदा दिल में रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर जी को पारंपरिक सम्मान स्वरूप पहाड़ी टोपी और शॉल भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मैं उनके कॉलेज के दिनों के बेस्टीज यानी घनिष्ठ मित्रों को, श्री अश्वनी जी, श्री संजय जी, करमजीत मल्होत्रा जी, गुरुदेव जी, मीनाक्षी कपूर, अंजलि सबरवाल, ज्योत्सना, प्रीति कपूर और अनुपमा राजू। मेरा छायाकार बंधुओं से अनुरोध है कि एक ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का यादगार फोटो हो जाए, इसके लिए मैं भी मंच पर आगे आ रही हूँ। मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी और उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर साधना जी का मंच पर पधारने पर धन्यवाद करती हूँ।
आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पास एक शुभकामना संदेश आया है। ये संदेश आया है श्री रमाकांत अग्निहोत्री जी का दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये वहाँ पर प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, उन्होंने वहाँ से हमें इस विद्यालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम की शुभकामनाएं भेजी हैं। ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन वल्लभ कॉलेज मंडी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर श्री विनोद बैल जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ एक कविता प्रस्तुत करने के लिए। विनोद जी की कई मंडियाली कविताएं आए दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे वायरल होती रहती हैं। विनोद जी की कविता का शीर्षक है दादूरी लव स्टोरी। इससे पहले कि मैं दादू की लव स्टोरी के बारे में कुछ बताऊं आपको, अभी एक कविता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की तो मुझे आग्रह किया गया है कि कृपया पहले बताया जाए कि उसमें क्या लिखा है। तो उसकी जो कुछ लाइनें हैं वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुणे से शिमला का सफर जो है और लोगों की भावनाएं जो उससे जुड़ी हैं उसको मैंने कविता के माध्यम से पेश किया है। तक कविता का नाम है जय राम सब ये गाया आसरा सीएम मंडी आया। मंडी के थुनाका जावा फेरी तांदी ग्रामा आवा बाबू जेठू राम जी आमा ब्रिकू देवी रे घरा 6 जनवरी पेंटा जो नवा मानू घरा आया जय राम थारे कबरे गाया। खेती बाड़ी की थी पैदल हंडिया पहाड़ चढ़िया पुरानी प्राइमरी होशी से बक्सैड स्कूला पढ़िया पूजे मंडी बल कॉलजा गया मामा के पैलेस कलोनी रहा। दाढ़ी बधाई नाटक खेले पुराने फिल्मी गाने गाए छात्र नेता बने समाज सेवा कीती मरीजा जो खून दे के अपने री खोज खबर हस्पताल लीती एमए पढ़े चंडीगढ़ चचोटा फेरी सराजा री सीट जीती डाकनी लाड़िए घरा पैर पाया दो बांकी बेटियां के सुखी परिवार बसाया। 27 दिसंबर 17 रा ध्याड़ा आया बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। 27 दिसंबर 17 रा ध्याड़ा आया ठाकुर जी सीएम बने जय राम सब ये गाया 3 जनवरी 18 जो सरापड़ा दे मंडी तोड़न लगे फूला के ग्राम हो शहर सजे होम गार्डरे बैंडे धुन बजाई चालनी भरी सेरी भरी डीजे परा गाना गाया आसरा सीएम मंडी आया। चांदीरा मुकर सजया बांडी मठियाई किते पटाकेरे ढमराले ध्यान मनाई नाची नाची के मंडीरे लोगों ने थके देवारे बाजे परा देवडुए नाटी पाई छोटी काशीरे निवासी जयराम जोड़ा के गाया आसरा सीएम मंडी आया। अब आज के दिन की बात कर रहा हूँ 11 सितंबर जो कौजरा पीपड़ भी झूमिया ये गुहा है कई चीजों का 11 सितंबर जो कौजरा पीपड़ भी झूमिया क्लास फैलो नाचे दोस्त नाचे नाटी पाई डीजे लगाया मिली के आसे सब ये गाया प्लेटिनम जुबली जो आसारा सीएम अपने कॉलजा आया आसारा सीएम अपने कॉलजा आया। थैंक यू। तो ये कविता जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की गई है। अब आ जाते हैं मुख्य विषय पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दादूरी लव स्टोरी। और इसके जो पात्र हैं दादू नानू नाना नानी वो तो कई यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी को लगेगा कि ये हमारी ही स्टोरी है। तो चलिए बढ़ते हैं दादू की स्टोरी सुनने के लिए। इसमें क्या है जो पोता है पोतरू से आपने दादू सौ निकला सवाल करता से कॉल जाए निकली रहा तो दादू में थले निकली रहा तो से सवाल करेगा राम मंडियाड़ी अंदर तस्ते तो जवाब दादू की हाँ जितया ये देखा सुन पोतरू है दादू जो सोलर बाउंसर पाया
دادو بھی فرما میں جایا کل نہیں تھا ویلنٹائن ڈے کل نہیں تھا ویلنٹائن ڈے نہ فیس بک نہ واٹس ایپ نہ انٹرنیٹ دادو پتا جی کی آگے دیتی سیٹ نہیں تھا اسمارٹ فون نہیں تھا اسمارٹ فون نہ لورز لین چشمہ کانا لگایا اچھے بالوں پر ہاتھ پھرایا تھکھا پر نور آیا یاد آئی پریم کا تھا گٹھی پر گنے سال بجا گلا کتنی کال پرانی یاد جاوا دا پوترو گئی تھی دیتا جا وہ آ رہا وہ یار تیرے عسکری جماعت نہیں ہوں کہ اج اسی چاہتا کہ بے مامو کہ بے جودے کہ بے چندرا ماری کنٹینا کتیا سات جنم روا دا کہ بے لو لیٹر پاتھرا پائی کے سکتے تو کمیونیکیشن کا ساتھ نہیں تھا کہ بے لو لیٹر پاتھرا پائی کے سکتے کئی باری پچھوئے پر پیچھے نہیں ہٹے شیو شمبھو بھی بیٹھے چارنا بھی رہے شیو شمبھو بھی بیٹھے ٹارنا بھی گئے بیٹھے کالجا پیپڑا کیاڑے جھرنے ہٹی کھدی ٹکی چوٹے کیفے سراجا چاہ پیتی دادی گلایا چپ چما کے دکھواں ملیا کرنا تاسے بھی واہ واہ کی کرشنا ٹاکیز دیکھی سنگ کرشنا ٹاکیز دیکھی سنگ راجیش کھنیری فلم کٹھی پتنگ گلشن نندا رے ناول گلشن نندا رے ناول کرائے پرا لے کے چاٹے سارے دیوا نندا سا ہی کٹینا بیٹھی کے ڈائلگ مارے کئی باری لڑے کہ بے جوڑا کے بے سلے سلے پر لکھواں لکھواں ملتے رہے ایاں کتے دور سکوے گلے آسائی پتنگ بھی کہ بے نشٹے کہ بے اچے ہو بھی پر ہوئی نہیں ڈور کے دیوی جدی اب بڑی بھکتوں کو جو ہے اب اس میں آ رہا ہے تیرے دادی رے بھائی تھے پورے کسائی تیری دادی رے بھائی تھے پورے کسائی سکیتی کھڈا مٹھیے بگایا جرکایا چوتھیا پوستا کے ڈسایا کتیا سا ہی پگلا بلایا آسرے اس کرے پتنگر تھی پکی ڈور آسرے اس کرے پتنگر تھی پکی ڈور تیری دادی جو پسند نہیں آیا کوئی اور دادی رے گھر والے بابا جو ڈائے دادی رے گھر والے بابا جو ڈائے پر دادی جو کوئی اور لوگوں کو پسند نہیں آئے پھر پوتر پوچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہونا تھا جھک ماروں ہاں دادی منجو بھیائی جھک ماروں ہاں دادی منجو بھیائی پھر تیرے بابا ری لینڈنگ منڈی نگرا کرائی تھینک یو